चास प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी के सौजन्य से पिंडाजोरा में एक कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बोकारो जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करने श्री मंडल ने कहा कि झारखंड प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना ही गठबंधन सरकार के उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति की पहल करने के लिए महावीर सिंह चौधरी धन्यवाद के पात्र हैं। दूर ग्रामीण के एक लोग अपने अपने कार्य के लिए योजनाओं का लाभ के लिए वहाँ पहुँचते थे, और चूंकि चास प्रखंड एक बहुत बड़ा प्रखंड है, हजारों आवेदन वहाँ आते थे, तो तुरंत तो काम नहीं हो पाता था किसी का, तो दो तीन दफे उस कारण से उनको वहाँ दौड़ना पड़ता। उस चीज़ को देखकर मैंने एक दिन माननीय सूत्री उपाध्यक्ष बड़े भैया श्री देवाशीष मंडल जी से डिस्कशन किया कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि जनता जिस क्षेत्र में निवास करती है उसी क्षेत्र में बीस सूत्री का एक कार्यालय खोल दिया जाए, जनता के सारे आवेदन को ऑफलाइन ऑनलाइन वहां पर ले लिया जाए, और उसके बाद अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनका काम कराया जाए, इससे लोगों को दौड़ने की आवश्यकता नहीं। उसकी शुरुआत चूँकि पूरे चास प्रखंड में कुल 6 कार्यालय खुलेगी, उसकी शुरुआत आज पिंडाजोरा से हुआ है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यालय के पीछे हमारा जो मकसद है, जो सोच है, उस सोच को हम सफल करेंगे। श्री मंडल ने कहा कि 20 सूत्री का दायित्व बनता है कि कल्याणकारी और विकास संबंधी योजनाएं सरकार के हिसाब से समाज के अत्यंत गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। इन सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत बनाना ही हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम में 100 से अधिक गरीब व विधवा महिलाओं के बीच खाद्य वस्तुओं से भरा कीट का वितरण किया गया। मौके पर मनोज कुमार, अजीत सिंह चौधरी, कामदेव सिंह चौधरी, तुलसी महतो, जलेश्वर दास, तूफान साहनी, रिजाक अंसारी, सुधीर कालिंदी, पंकज महाता आदि कई लोग उपस्थित थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। किया गया निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण कदम है, सराहनीय कदम है। पूरे झारखंड में हमारे ख्याल से पहला कार्यालय होगा जो कृषि प्रखंड अध्यक्ष अलग से अपना स्तर से एक कार्यालय खोलकर गांव देहात के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो प्रक्रिया शुरू किया है। बोकारो जिला कार्यान्वयन समिति निश्चित रूप से उनका हार्दिक स्वागत करता है एवं वादा करता है कि इनके इस कार्यशैली में अगर कोई जरूरत पड़े तो जिला विश्वकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति कदम से कदम मिलाकर इनका काम को पूरा करने का प्रयास करता है।